हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अकीलास किचन। कैसे आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग ठीक होंगे। आज अकीलास किचन में हम कैरेमल पुडिंग बनाएंगे, ब्रेड कैरेमल पुडिंग बनाएंगे। माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छा बनता है, जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा। मम्मी इसे अभी कट कर रहे हैं, देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बना था। चलिए फ्रेंड्स इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इसमें आधा लीटर जितना दूध गर्म करने के लिए रख दिया था, 250 ml के दो पैकेट्स है, ये हमने गर्म करने के लिए रख दिया था। बॉईल अच्छी तरीके से आने के बाद हमने इसमें दो बड़े चम्मच जितने हमने इसमें शक्कर, जो ग्रीन वाली कटोरी, हमने दो कटोरी शक्कर इसमें डाली थी। और ब्रेड के हम 6 स्लाइस लेंगे, जिसके साइड के एजेस हैं उसे अच्छी तरीके से हमें कट करना है फ्रेंड्स, और इसे हम स्क्वायर के पीसेस में कट कर देंगे। देखिए इस तरीके से कट करके हम इसे एक साइड में रख देंगे फ्रेंड्स। और देखिए हमारा दूध भी अच्छी तरीके से पक गया, जो साइड की मलाई आएगी हम अंदर वो डालते जाएंगे। और देखिए हमारा पूरा ब्रेड हमने कट करके रख दिया है, उसके अंदर जो गरम गरम दूध है वही हम इसमें ऐड करेंगे, ताकि ब्रेड हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और अच्छी तरीके से उसमें दूध का पूरा मिक्सचर चला जाए। देखिए ये हमने फ्रेंड्स ब्रेड पुडिंग बनाने के लिए हम 4 अंडे यूज़ करेंगे, 2 अंडे का हम योग यूज़ करेंगे और उसका जो वाइट है वो हमें यूज़ नहीं करना है। हमारा फर्स्ट अंडा ऐसे फूट गया, सेकंड वाला माशाल्लाह अच्छा निकला। और जो हम इसको क्या करेंगे, हम इसका वाइट निकाल देंगे और इसका जो योग है वही हमें यूज़ करना है। इस तरीके से चम्मच की मदद से आप सिर्फ योग यूज़ करना। हम इसमें फुल मिला के 4 अंडे यूज़ करें, 2 फुल अंडे और 2 योग। और इसमें वेनिला एसेंस आप 2 चम्मच डालना फ्रेंड्स, और थोड़ा हल्का सा इसमें नमक डालेंगे। वेनिला एसेंस डालने से इसकी जो स्मेल है अंडे की वो नहीं आती है। इसे एक साइड में रख देंगे और अभी कैरेमल हम बनाएंगे। इसके लिए हमने 1 बड़ा चम्मच शक्कर लिया है, थोड़ा सा और आप ऐड कर देना। और इसमें हम पानी डालेंगे, 2 चम्मच हमने शक्कर डाले, 2 चम्मच हम इसमें पानी डालेंगे। और इसमें नींबू का जो जूस है उसे डालेंगे, ताकि हमारी शुगर अच्छी तरीके से कैरमलाइज हो जाए। देखिए माशाल्लाह सेंटर से उसको कलर आ रहा है। देखिए आप अच्छी तरीके से इसे मिक्स करते हो, स्लो गैस पे ही करना फ्रेंड्स। अगर आप फास्ट करोगे तो उसका ज़्यादा डार्क कलर हो जाएगा। माशाल्लाह हमारा कैरेमल भी रेडी है। देखिए अभी गैस की फ्लेम ऑफ करना है और हम इमिडिएटली हमें इसमें टिन में इसे डालना है, ताकि वो वापस पैन में ही सेट ना हो जाए। अगर आपका ये पूरी जगह स्प्रेड नहीं होगा, थोड़ा सा इस पर गैस पर रख देना और फिर कर देना, तो ईजिली हो जाता है। तभी जैसे हमने ये बैटर मिक्स किया था, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, अभी बटर डालेंगे 2 बड़े चम्मच। और इसको एकदम स्मूथ टेक्सचर हमें देना है हमारे पुडिंग को, इसलिए हम इसे मिक्सर में इसे पिस कर ले लेंगे। देखिए हमारा ब्रेड भी अच्छी तरीके से हो चुका है, इसमें अंडे का भी डाल देंगे और इसका एक फाइन सी प्यूरी हम रेडी करेंगे। और दूसरे हमने क्या रखे थे, पानी गर्म करने के लिए रख दिए, जिसमें हमें बनाना है। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा हो चुका है हमारा। और इसे हमें छान कर ही डालना है, ताकि कोई भी लम्स वगैरह कुछ ना रहे। इसलिए आप जब भी ये पेस्ट बनाओगे इसका बैटर, तो आप छान कर यूज़ करना। नीचे हमारा कैरेमल भी अच्छी तरीके से सेट, आप भारी सेट करने के लिए रख देना। और इसे फॉइल पेपर से अच्छी तरीके से पूरे साइड से कवर करना फ्रेंड्स। आप ये बनाकर देखना, इंशाल्लाह आपको ये बहुत ही अच्छी लगेगी रेसिपी। बहुत ही डिलीशियस बनी थी और बहुत ही यम बनी थी, घर में सबको अच्छी लगी थी। और इसे हमने रख दिया, इसे कम से कम 1 घंटा के लिए रख देना। अगर आपका 45 मिनट्स में आप चेक करना नहीं होता है, तो फिर और 10 मिनट के लिए रख देना। देखिए माशाल्लाह हमारा पुडिंग रेडी है। देखिए साइड से वो खुद ब खुद छूट गया है, आप लोग देख सकते हो, पर आप हल्के हल्के हाथों से उसको साइड से उसको खोल देना। आप क्या, जैसे क्लाइमेट के हिसाब से देखना, क्लाइमेट अगर अच्छा ठंडा होगा तो बाहर भी सेट हो सकता है, और गर्मी में क्या हो जाएगा, आप उसको फ्रिज में रखना सेट होने के लिए। माशाल्लाह देखिए हमारा अनमोल्ड भी कितना अच्छा हो गया, आप लोग देख सकते हो। और उसके ऊपर हमने थोड़ा गार्निशिंग के लिए पुदीना रख दिया था, ये थोड़ा हम जब छुरी डाल रहे थे थोड़ा सा साइड से निकल गया, पर देखिए इसका लुक कितना अच्छा लग रहा है और कितना फाइन लग रहा है फ्रेंड्स। आप ट्राई करोगे, एग्जैक्ट यही मेजरमेंट से बनाओगे, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी लगेगी ये रेसिपी। बच्चों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ ये डेजर्ट आप इंजॉय कर सकते हो पुडिंग का, इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छा। एकदम मार्केट वाला स्टाइल वाला पुडिंग लग रहा था फ्रेंड्स। हम लोग जब टेस्ट किए घर पे, अब्बू ने, मम्मी ने, सब ने टेस्ट किए, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था फ्रेंड्स। देखिए और अभी मम्मी आपको टेस्ट करके बताएगी। बिस्मिल्लाह। चलो देखिए कितना सॉफ्ट है और कितना अच्छा बेहतरीन है। देखिए अंदर तक हमारा पक गया है, एकदम देखिए आपको नजर आ रहा होगा। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा ही नहीं कि ब्रेड का ही करती है। ब्रेड, अंडा, एसेंस, दूध,
माशाल्लाह हमारा ये पुडिंग रेडी हो चुका है। तो आप लोग ज़रूर बनाना और हमें कमेंट भी करना और हमें लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। बाय, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।